Hey, hi everyone. Good morning and welcome back with me, your own Roma ma'am for the English classes. फिर से शुरू करते हैं. एक नया टॉपिक, नया एक्साइटमेंट, एक नया दिन. जर वही और आप भी. आप में से कई लोग तो नए भी होंगे, बट ऑफ कोर्स फिंगर्स क्रॉस्ड जिन्होंने ये वीडियो अब ज्वाइन कर लिया है. तो जितने भी नए लोग हैं, आपके लिए कुछ चीजें बता दूं. पहले तो मैं आई एम रोमा मैम, आपकी अपनी इंग्लिश होस्ट एंड दोस्त. एंड सेकेंडली, अब मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. सो आप उसे जाकर के, ऑफलाइन जाकर के उन वीडियोज को चेक कर सकते हो. इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं मैं लिंक आउट करती रहती हूँ, यानी मैं उनको जोड़ती रहती हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट आपको एज अ फैमिली जॉइंट समझ में आए, रादर इसके कि कुछ भी चल रहा है किधर का कुछ उठा लिया. सो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. और जितने पुराने वाले हैं, आजा फिर से शुरू करते हैं पढ़ाई. आज का हम क्या करने वाले हैं, हमने कल क्या किया था, वर्ब के अलग अलग प्रकार पढ़े, टाइप्स पढ़े, उन टाइप्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा भी, आपको मैंने काम भी दिया था करने के लिए, राइट. आई होप आप बिना किसी बेईमानी के उन वर्क को कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं तो यकीन मानो तुम्हारी और मेरी दोनों की मेहनत इट्स गोना बी यूजलेस. तो वो करते रहो और मुझ तक अपनी बातें और अपने, हिंदी में क्या बोलते हैं, विचार, अपने ओपिनियंस मुझ तक पहुंचाते रहो. रोमा मैम इज ईगरली वेटिंग फॉर ऑल दोस. वेल, आज हम क्या करने वाले, व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू टुडे. मैंने देखा हुआ है, जब भी इतने सालों में मैंने देखा, जब भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है अंग्रेजी का, तो उसमें कई बार ना छोटी छोटी बातों पर लेकर के आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है. ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपके लिए एक जाल बिछाया जाता है, जहां पे ज्यादातर ये माना जाता है कि आप फंस जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली आप कॉट अप हो भी जाते हैं. इसकी एक सॉलिड वजह होती है. सॉलिड वजह ये होती है कि आपका जो वोकैब पावर है वो बहुत बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड है, बहुत कोड है और थोड़ा सा वीक कह सकते हैं. नेगेटिव वर्ड्स सॉरी मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी टू से कि ये होता है, ये मोस्टली हो जाता है. सो टुडे आज हम क्या करने वाले हैं, आई हैव टेकन फ्यू वर्ड्स, वैसे तो देर आर मेनी वर्ड्स, बट आई हैव टेकन द मोस्ट कन्फाइंड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. ऐसे शब्द मैंने आज चुने हुए हैं जो होमोफोन्स की तरह, बट ऑफकोर्स मतलब डील करते हैं, लेकिन उनके मायने इतने अलग होते हैं कि जब वो सेंटेंस में पिरोए जाते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट निकल के आते हैं. तो अगर आपको इनके मायने नहीं पता तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. तो आज लाइक आई विल बी गिविंग यू पहले तो इनके बीच का अंतर, ताकि अगली बार जब आप बोले, जब आप पढ़ें या जब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाए, ओके फाइन भाई ये तो कुछ और कह रहा है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ. सो आप उसको क्लियरली मेकआउट कर सको, राइट. आई वॉन्ट यू टू आफ्टर स्टार्टिंग दिस, ताकि आप अमेंडमेंट कर सकें. ओके, नाउ लेट्स एग्जैक्टली बिगिन विद दिस. मेरा पीसी इट हैज गॉन, वो इतनी देर से वेट कर रहा था, हम लोग बिगिन करेंगे, बट कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं. ओके, जब तक वो अपने आप को वार्म अप करता है तब तक हम लोग वार्म अप हो जाते हैं. अभी वर्ब में जब हमने कल पढ़ाई करी तो हमने क्या देखा, वर्ब में हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, हमने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा, और कल मैंने आपको मोडल वर्ब्स के बारे में भी बताया. मोडल वर्ब्स के बारे में मैंने ढेर सारे वर्ड्स लिए थे जो मोडल के अंतर्गत आते हैं, और आपसे ये गुजारिश करी थी कि भाई मेरे एक बारी उसको चेक कर ले, इन द केस किसी भी पॉइंट या किसी भी वर्ड में तुझे ये लगता है कि ओके हाउ कम, ओके ठीक है, सी दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट गोज. ओके, हम इसको हटा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे. ओके ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. हम ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को. यस, फाइनली मैं जिसकी बात कर रही थी आपके साथ वो हम देख लेते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस वन. अब शुरू करते हैं. ओम गणेशाय नमो नमः. सो हर अच्छे काम की शुरुआत बगैर इनके नहीं हो सकती. सो वर्ब्स हमने कर लिए हैं, जय माता दी. अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन
वर्ब समटाइम्स एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, बट चूंकि इतने सिमिलर दिखाई देते हैं कि हम लोग इन्हें कैच नहीं कर पाते, तो लेट्स गो एंड होल्ड ऑन देम. कैसे कैच करेंगे इनको, शुरू करते हैं. वेयर इज माई वीपिन, यह. और एक काम करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं. कलर कौन सा, इसमें ब्लैक कम दिखाई दे रहा है तो ब्लैक ही ठीक है. बिल्कुल सही, मस्त. चलो पहला हमारा सेट है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस. अब इसमें मैं दो वर्ड्स लेना चाहूंगी, एक प्रैक्टिस दूसरा प्रैक्टिस, एक एडवाइस दूसरा एडवाइस. अब इसमें क्या हो रहा है, मोस्टली पूरा का पूरा स्पेलिंग एक जैसा है, पूरा का पूरा. जो एक ही गड़बड़ हो रही है वो हो रही है इसमें. गड़बड़ से मेरा मतलब है चेंज, और ये एक लेटर का चेंज ट्रेमेंडस चेंज लेके आ रहा है. हाउ कम, लेट्स सी. अब जैसे प्रैक्टिस को यानी सीई को कहते हैं नाउन और एसई को कहते हैं वर्ब. यहां पे भी देखो, सीई को कहते हैं नाउन और एसई को कहते हैं वर्ब. अभी द कॉन्सेप्ट इज इसको देर तक कैसे याद रखें, क्योंकि एक दो दिन जब निकलेगा ना ये भी निकल जाता है, क्योंकि जो कंफ्यूजिंग चीजें होती है ना फॉर द टाइम बीइंग तो हम समझ लेते हैं, फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है. तो अपने को क्या करना है, लेट्स सी लाइक दैट. आप ऐसा समझिए जैसे मैंने समझा था, वही तरीका मैं आपको बता रही हूं. सी पहले आता है राइट, और नाउन और वर्ब में एन पहले आता है और वी बाद में आता है. इसी तरह सी पहले आता है और एस बाद में आता है. तो जो पहले आ रहा है वो पहले को सपोर्ट, पहला अल्फाबेट सपोर्ट कर रहा है, यानी पहले सी आ रहा है तो पहले एन को सपोर्ट करेगा, फिर एस आ रहा है तो वो वी को सपोर्ट करेगा. बिल्कुल वही फंडा यहां पे भी अप्लीकेबल होगा. यकीन मानो सुनने में ये बहुत किडिश लगता है, बट दिस इज गोइंग टू वर्क एज वाओ फैक्टर. मतलब ये कुछ ऐसा होता है जहां पे आपको शायद आप मतलब भूल जाओ उसके, चाहे लॉजिक भूल जाओ उसका, मगर ये नहीं भूलते हो कि अच्छा सीई लिखा हुआ है, सी पहले आता है एन पहले आता है, अच्छा ये नाउन है, एस बाद में आता है वी बाद में आता है, अच्छा ये वर्ब है. ये कुछ जैसे होता है ना जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आप उसके बीच में से कुछ शॉर्टकट निकाल लेते हो, तो ये टीचर आपके लिए शॉर्टकट लेके आया हुआ है. सो लेट्स गो एंड एंजॉय दीज शॉर्टकट्स. अब इनमें आपको गड़बड़ी नहीं होगी. अब इसका मतलब तो आपको पता ही है भाई, नाउन क्या है, नेम राइट, और वर्ब क्या है, काम. तो अगर मैं कहती हूं मैंने एक प्रैक्टिस बुक खरीदी, तो वो कौन सी बुक है, प्रैक्टिस बुक, तो नाउन हो गया. लेकिन अगर मैं तुमसे कह रही हूं स्टूडेंट्स मैं तुमको पढ़ा रही हूं प्लीज प्रैक्टिस कर ले ताकि चीजें घुस जाए तेरी बुद्धि में, तो अभी क्या है, प्रैक्टिस कर ले मतलब काम कर ले, तो वो जाने वो, यानी मीनिंग जानने के बाद सेंटेंसेस का मतलब उनको कैसे पिरोना है वो तुम खुद ही समझ जाओ. बस इन दोनों में मेन पंगा ये फंसता है कि कौन है नाउन और कौन था वर्ब. उसको मैंने क्लियर कर दिया, सी और वी, यानी सी हियर एंड एस, सी एस एन वी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ये कभी कंफ्यूज नहीं करे राइट. अब इनमें मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास पुस्तिका, प्रैक्टिस इज अ प्रैक्टिस मैन, यू नो दिस इज माई प्रैक्टिस जोन, कुछ भी वो नाउन हो जाएगा. वर्ब क्या है, काम करना है अपने को, सो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, ठीक. नेक्स्ट आता है एडवाइस एंड एडवाइज, अगेन वही वाला फंडा. इसमें क्या है, ये नाम की तरह काम करेगा, तो मैं बोलूंगी भाई देखो ये तो मेरी एडवाइस है, बाकी को तो नहीं पता, ये मेरी एडवाइस है, दिस इज माई एडवाइस टू यू, ये मेरी एडवाइस राइट. लेकिन अगर वर्ब में मैं आपको कह रही हूं तो मैं ये कहूंगी कि कुड यू प्लीज एडवाइज मी व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट, क्या प्लीज आप मुझे सलाह दे सकते हैं, तो डार्लिंग ये है सलाह और ये है सलाह देना. देखा, देना मतलब काम आया ना, ये है अभ्यास. हिंदी का थोड़ा सा पंगा है तो मैं ऐसे लिख रही हूं, आप सबके सब व्हाट्सएप लैंग्वेज में परिपूर्ण है तो मुझे पता है, अभ्यास हो गया और ये है अभ्यास करना, ठीक. अब हम आते हैं थर्ड पे, ये देखो अफेक्ट और इफेक्ट. अब इसको मैं ऐसे समझू, ये माइनस है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, दिस इज पॉजिटिव,
ठीक, अब हम इसको कैसे याद या रिमेम्बर ये कैसे कर सकते हैं? अब जरा देखो, आपके रिपोर्ट कार्ड में ए मिलना और आपके रिपोर्ट कार्ड में ई मिलना, सॉरी आप आपके क्या कहना एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मेरा इंटेंशन वो नहीं है। अगर वो इंटेंशन होता सवेरे सवेरे उठ के तुमको पढ़ाने नहीं आती मैं। सो द कॉन्सेप्ट इज ये होता है पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो जो पॉजिटिव वाला है वो नाउन है, यानी हम पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन कई बार हम कर्म ऐसे कर देते हैं जो नेगेटिव है। तो मतलब क्या हुआ, ये और ये। अब अंतर देखो सेंटेंसेस में, इसको कैसे पिरोया जा सकता है। जैसे मान लो मैं कह रही हूं कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ बाप से बात करूंगी, तुम्हें लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? असर पड़ना ही ना पॉजिटिव है। जी मैम असर तो पड़ेगा, एक बार आप बात करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ये क्या है अफेक्ट, मैम आपके वर्ड्स ने इतना बेहतरीन अफेक्ट डाला है कि चीजें बदल रही हैं, टच वर्ड राइट। अब इसी में दुष्परिणाम, इफेक्ट, या डोंट गो इन टू दैट वॉटर, इट माइट इफेक्ट योर फीट। यार ऐसे लोगों के बीच में ना उठा बैठा मत करो, इससे तुम्हारे विचार इफेक्ट हो सकता है। तो अब हम यहां पे, अगर मैं कह रही हूं मत उठा बैठा करो, इससे तुम्हारे विचार इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? नेगेटिव। तो हम यहां ई लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कह रही हूं बैठा करो लोगों के बीच और देखो वो कैसे तुम्हें इफेक्ट करते हैं, ना दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो वेन एवर यू रीड अ सेंटेंस, जब आप वाक्य को पढ़ रहे हो तो ये देखें कि वाक्य कहने की कोशिश क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए वो ये कह रहा है कि ऐसे लोगों में ना बैठे, ये आपके विचार को इफेक्ट कर सकते हैं। अब वहां पे इफेक्ट की जगह पे ए लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ है, तो ग्रामेटिकल एरर तो वही आ रहा है ना। लेकिन हम कहाँ फिसल जाते हैं, अपने को लगता है देखो ग्रामर बटोर लो, ग्रामर में देख लो कहाँ पे क्या इज एम आर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, हैज हैव पैसिव में तो नहीं है, कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात तो नहीं कर रहा है ये, अरे यार ये एडजेक्टिव एडवर्ब तो नहीं हो गया, पूरी बुक हमने खंगाल ली और बात एक छोटे से वर्ड की। सो जैसा रोमा मैम हमेशा बोलते हैं आपको कि मुद्दा बहुत बड़ा नहीं, मुद्दा छोटे और जरूरी होते हैं। सो फोकस ऑन दैट। कुछ चीजें तो आपकी मेरी आपको मेरी रट गई होंगी। रोमा मैम का फोकस, रोमा मैम का सेंटेंस दैट टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल, एग्जैक्टली याद तो हो गया तुम्हें, याद हो गया तो इस पर काम भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये हील लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे कर दूं। हियर नाउ सी, हियर बुक्स में नाउन और लिसन को वर्ब कहा गया है, ठीक है। अभी द कॉन्सेप्ट इज, अगर मैं इसी को मान के चलती हूं, मैं क्यों कह रही हूं आप, क्योंकि मेरी जान जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बुक में कुछ भी लिख दो, पेपर में कुछ भी छाप दो, न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप दो, आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ भी छाप दो, तेरे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि क्या ये प्रिंटिंग एरर है या लिखते लिखते भाई टू एर इज ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला है, टू एर इज ह्यूमन, इसका हिंदी मतलब होता है इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। अभी आप इसको लिख लीजिएगा वरना आप बोलेंगे ये हटा दिया मैम ने फिर से। अब अगर मैं हियर को सिर्फ नाउन मान के चल रही हूं तो अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, लिसन टू मी, हम लोग कभी नहीं बोलते हियर टू मी, तो यानी लिसन एक इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू हम इसको यूज कर रहे हैं, या फिर यू डोंट लिसन टू मी, लिसन को फिर एज अ वर्ब यूज किया, पर हम ये नहीं कहते यू डोंट हियर टू मी। हियर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अगर मैं आपसे कहती हूं आई कैन हियर दैट, मैं ये सुन सकती हूं, तो क्या ये गलत है? नो। सो द कॉन्सेप्ट इज टू सम एक्सटेंट हियर को भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और होता भी है, बस आपको इतना ध्यान देना होता है दोनों में मेन मतलब जो होता है वो ये होता है, हियर का मतलब होता है बस सुन लिया और लिसन का मतलब होता है विद कंसंट्रेशन। ये भी है सुनना और ये भी है सुनना, इसमें कंसंट्रेशन जुड़ा है, इसमें कंसंट्रेशन मिसिंग है।
यही डिफरेंस है। जब टीचर आपको कहती है लिसन टू मी, या पेरेंट्स आपको कहते हैं सुन ले मेरी बात, एक आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, तो उनका मतलब होता है पूरा ध्यान लगा के सुन ले ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। लेकिन अगर मैं आपसे बोला कि मैंने ये गाना सुना है, सो आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग नॉट लिसन, अगर मैं लिसन का इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब मैंने इस गाने को ध्यान से सुना। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाँ हाँ मैंने ये गाना सुना है, तो थोड़े से ही लग रहा है कि सुन लिया, ऐसा कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं मारा उस पर, बट सुन लिया मैं। इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर वो कंसंट्रेशन लेवल यानी टीचर पेरेंट्स ऐसे किसी की बात कर रहे हैं तो हेयर नहीं हो सकता बेबी, वो लिसन होगा। लेकिन अगर उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, थोड़ी लापरवाही का जिक्र हो रहा है, बस एवी इंटरेस्ट की बात हो रही है, कुछ बहुत ही सीरियस नहीं बात हो रहा, तो हम वहां पे क्या करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हियर। नाउ लेट्स सी, अडॉप्ट अडैप्ट अडैप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा डॉग चाहिए अडॉप्शन के लिए, बच्चे लोग अडॉप्शन पे लेते हैं, तो अडॉप्शन इज नाउन यानी गोद लेना, ठीक। अडैप्ट का मतलब होता है ढल जाना, इसीलिए मैं पढ़ती जा रही हूं क्योंकि मुझे मेरे राइटिंग वाला फैक्टर मालूम है। अडेप्ट का मतलब होता है प्रो होना किसी चीज में, ठीक। अब अगर मैं तुमसे कह रही हूं कि यार मेरे को ना एक डॉग चाहिए अडॉप्ट करने के लिए, तो अभी यहां पे मैं वर्ब के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रही हूं, मैं चाहिए वर्ड यूज कर रही हूं, तो दैट इज द मेन वर्ब यानी वॉन्ट। यार आई वॉन्ट टू अडॉप्ट डॉग, राइट। नेक्स्ट वन अडैप्ट, मैं समझती हूँ कि ये नया नया माहौल है तुम्हारा और तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके ना तुम ढल जाओगे, यू विल अडैप्ट इनटू दिस एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट इज अडैप्ट, कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप डूइंग द होमवर्क, फोकस बनाए रखो एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी एन अडैप्ट वन, मतलब प्रो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निपुण, हाँ निपुण, यस दैट्स द वर्ड। ओके नाउ द नेक्स्ट वन, अब मैं इसको वाइप कर दूं वरना तुम कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है। अब आता है अमेंड और एमेंड, ये अमेंड है ये एमेंड है, इसका प्रोनंसिएशन यही है। अमेंड का मतलब होता है जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जानते हैं जिन्हें पारित करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, राइट। और एमेंड का मतलब होता है अशुद्धियों को दूर करना। इनको आप कैसे याद रख सकते हो, पहले तो आपको रूल्स लगाने होते हैं, अमेंड करना होता है, फिर उसके बाद उनमें जो, और रूल्स के लगने से क्या होता है, जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जब मैं आपको फोकस पॉइंट देती हूँ तो मैं आपको क्यों देती हूँ फोकस पॉइंट, ताकि जो बातें तुम नहीं समझ पा रहे हो, जिनकी वजह से तुम गलतियां कर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, वो उन गलतियों को तुम हटा सको, यानी उन अशुद्धियों को हटा सको। तो पहले मैं तुम्हें देती हूँ फोकस पॉइंट्स और मैं तुमसे कहती हूँ उस पर दीजिए ध्यान ताकि आप अमेंड कर सकें। आई वॉन्ट यू टू अमेंड द फोकस पॉइंट्स ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कुड अमेंड द क्वेश्चन पेपर दैट यू रीड और द क्वेश्चन दैट यू गो थ्रू। सो अमेंड एंड अमेंड, ये दिस इज प्योरिफिकेशन कह सकते, मतलब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन वो चाहे पानी का हो, वो गलतियों का हो, दैट्स कॉल्ड एज एमेंड। एम आई क्लियर? सो सी और एस का फैक्टर याद रखिएगा, राइट। ए ए ग्रेड बहुत बेहतरीन, ई सो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव याद रखिएगा। यहां पे हियर और लिसन में कंसंट्रेशन का मुद्दा याद रखिएगा। इधर यहां पे याद रखिएगा कि अगर अडॉप्ट है, ओ अडॉप्ट अडॉप्ट करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी गोद लेना विच इज नाउन। अगर अडैप्ट ओ की जगह ए आ गया तो इसका मतलब आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। और फाइनली अगर ई आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू मेक यू प्रो। तो यानी पहले आप अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं जिम्मेदारियों को, फिर आप उन जिम्मेदारियों में घुल मिल जाते हैं, उनके लायक उनके अनुसार हो जाते हैं, फिर फाइनली आप ये करते करते एक प्रो हो जाए। क्या घुमाया है, ऐसे ही याद रखा आप लोग,
चीजें इस तरह याद रखो कि वो कनेक्टेड हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, अमेंड एंड एमेंड. अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को पारित करना, किसी चीज को लागू कर देना, या अमेंड रूल्स लगाना कोई चीज. तो पहले अमेंड करेंगे, जब हम पे अमेंड हो जाएंगी चीजें तो उसका एक अच्छा अफेक्ट ये आएगा कि आप एमेंड कर पाएंगे चीजों. क्लियर? दूसरे पे भागे आ जा. अब दूसरे हमारे पास ये आ रहा है, डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट तो आपको पता ही होगा, एप्रिशिएट का उल्टा. एप्रिशिएट मतलब पदोन्नति, तारीफें, और डेप्रिशिएट मतलब लो, उसका बिल्कुल नीचू. सो डेप्रिशिएट तो अपने को पता है, राइट? और ये क्यों पता है? क्योंकि जैसे अपन लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ना, वैसे इसका मतलब भी होता है. डेप्रिशिएट, केट नहीं, शिएट. सो डेप्रिशिएट इज गोइंग टू गो लोअर. नाउ व्हाट इज डेप्रिकेट? डेप्रिकेट का मतलब होता है डिसलाइक. जो आप लोग कहते हैं आई डोंट लाइक, दैट इज डिसलाइक. अब इसको याद करने का फंडा देख, ये हो गया डिसलाइक, और इसे मिलता जुलता जो शिएट होता है, ये कहता है महत्व कम करना, यानी इंपॉर्टेंस कम करना, या फिर वैल्यू कम करना. तो कितनी सिंपल सी बात है ना, जो चीज नापसंद है उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम हो जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे को कोई नहीं पसंद है तो उसकी वैल्यू क्या है मेरी नजर में? जीरो. ये बिल्कुल वैसे ही होता है जब कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? यानी इफ आई गो डेप्रिकेट टू समथिंग, अगर कोई चीज मेरे को नापसंद है तो बट ऑफकोर्स उसका डेप्रिसिएशन तो फॉर श्योर हो. सो दिस वाला डेप्रिकेट सेंटेंसेस में ये एज अ नाउन यूज किया जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स कम विद एनवेलप. एनवेलोप, डिफरेंस क्या है? एनवेलप का मतलब तो अपने को पता है ना, ई वाला. ये क्या है? लिफाफा. लिफाफा हमारा, ठीक है. अभी ये क्या है? ये देखो, दोनों लिफाफे दिखाई दे रहे हैं, एक लिफाफा है और दूसरा है ढकना. अब लिफाफे का मतलब क्या होता है? लिफाफा लेते काहे हैं? ताकि जो अंदर पड़ा है वो ढका जा सके, उस पर दूसरों की नजर ना हो, ताकि ऊपर हम लिख दें 2001 लेकिन अंदर पड़ा है 251 रुपए. ये इट वॉज लाइक, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है. कई बार लिफाफे खाली भी होते हैं. थ्री इडियट्स नहीं देखा है आपने? उसमें लिफाफा खाली ही था. ओके, एनीवेज, नाउ लेट्स गो अहेड. सो एक जो हमारा, अब जरा ये समझने की जरूरत है, एक कह रहा है, अब इन दोनों वर्ड्स को ऐसे देख लो, ई का फर्क है. तो अभी हटाओ इनके ई को, दोनों आ रहा है एनवेलोप. तो अगर सेंटेंस ये कह रहा है ढकने की बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके द गेस्ट आर अराइविंग, ये सारा का सारा एनवेलोप कर दो, तो मतलब ढक दो, लिफाफा थोड़े कर दो. और अगर मैं आपसे कह रही हूं कि आपके पास एक एनवेलोप है, मुझे जरूरत है, तो अभी ढकना थोड़े है, क्या आपके पास कुछ ढकना है? अब वहां पे हम लिफाफे की बात. तो यहाँ पे रोमा मैम का ज्ञान ये है मेरी जान, ई पर ध्यान मत दो, सब कुछ एक ही जैसा तो चल रहा है. देखो ई ही तो बंगा फंसा रहा है ना, ई पे ध्यान ही मत, बस इतना देखो. एक कह रहा है ढक दो और एक कह रहा है लिफाफा. अब देखो सेंटेंस में कौन कह रहा है लिफाफा और कौन कह रहा है ढक दो, और दोनों रिलेटेड है. अगर लिफाफा है तो ढकना ही है. नाउ द नेक्स्ट वन, लूज, खो देना. लॉस, नुकसान. लूज, ढीला पड़ जाना. मतलब जब आप कुछ खोते हैं तो नुकसान तो होता है, और जब नुकसान होता है तो एनर्जी लेवल डाउन तो हो ही जाता है, यानी आप लूज पड़ जाते हैं, ढीले से पड़ जाते हैं. जैसे कई चीजें हो सकती है कि वो कपड़ा ढीला हो गया, उसका एटीट्यूड बहुत ही लूज है करियर के लिए, लापरवाह टाइप का. सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक ढीला. पहले एक एस था, फिर ट्रबल हो गया, एक में खोया, दूसरे में जाहिर सी बात है अब लॉस ही लॉस है, हानि हो गई. और जब हानि हो गई, लो भैया, ओ ही यहां पे ओ डबल में आ गया, लूज, लूज, ऊ, ढीला,
लूज, आई लॉस्ट इट, खो गया, दैट्स लॉस, नुकसान हो गया। और इतना होने के बाद अब बचना, मतलब यू नो थोड़ी सी हिम्मत बच पाना या कुछ और बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वापस आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, राइट? नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। ये तो बहुत ही, मतलब पता नहीं कैसे आप लोग गड़बड़ी कर देते हो इसमें, बेबी बहुत ही आसान है। कैसे करने का मैं बताती हूँ। अभी वर्ब पे ध्यान, अभी क्या है स्पेलिंग ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान दे प्रो और प्री। प्री मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन होती है ना, प्रोपरेशन तो होती नहीं है। प्री का मतलब पहले, प्रीपेड, पहले पे करेगा तब यूज करेगा, राइट? प्रो क्या होते हैं? प्रो क्या है? एक्सपर्ट्स वाले हैं ना, प्रोनाउन से बताती आ रही हूं मैं तुम लोगों को। प्रो मतलब एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट एंड प्री। तो प्रोसीड, प्रोसीड क्या होता है? प्रोसीड करिए, यानी आप तो इस चीज में महारत हासिल है, आपको, आप तो कानेश्वर हैं, स्टार्ट करिए इसको। लेकिन प्रोसीड का मतलब क्या होता है? अभी पीछे से, लाइक बैक, शुरुआत से, पहले से। I want you to proceed, but before that, I need to see the scale of your proceedings. समझा आपने? यानी हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन proceeding में, यानी उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, backdrop पे, वो भी जानना तो जरूरी है। So that is proceed and proceed. Pro, pre, simple as this. Next one, pour and pour. Now. ये वाला, दिस इज वर्ब, यानी पानी डालना। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं, या मेरे ग्लास में पानी डाल दो, पुट सम वाटर, पुट सम वाटर। पुट का मतलब होता है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको ऐसे करके दिखा दू, नहीं तो ओके ठीक है। मान लो आई एम टेकिंग अ बुक, अब इस बुक को मैं कह रही हूँ पुट इट ऑन द टेबल, रख दी, दैट इज कॉल्ड पुट। तो जब तुम ग्लास से पानी मांग रहे हो तो चाह रहे वैसे दे दूं मैं तुम्हें, फटफट फटफट करके इधर उधर गिर जाए, तो दैट इज नॉट पुट, दैट इज पोर, POUR। और ये पोर्स क्या है? जो बॉडी में होते हैं, अभी मेरे फुलोवर्स में भी है, ऐसे बॉडी में भी आपको पोर्स होते हैं जिससे ब्रीथ करता है आपका स्किन, दैट इज कॉल्ड पोर, POR। क्लियर? इसको थोड़ा ध्यान देंगे, पोर, यहाँ पे यू है तुम्हारे लिए, आई पोर समथिंग फॉर यू, ये पोर है, इट इज गोइंग टू बी ऑल इन टू द छिट 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 छिट, दिस इज कॉल्ड एज पोर। नेक्स्ट वन, प्रे और प्रे। अब इसमें तो ओ कमाल, बस मुझे मीनिंग ही बताना है, क्योंकि इसको तो बचपन से देख रहे हो आप लोग। चलो जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट द प्रेयर। चलिए हाथ जोड़िए, पंक्ति में खड़े हो जाइए, शुरू करिए सरस्वती वंदना। याद है ना प्रेयर? ना डायरी में भी लिखा होता था देखो, ऐसे प्रेयर या प्रार्थना करके ऐसे, तो प्रे तो मालूम है। अब ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पे भी, यानी इसका मतलब होता है शिकार भी होता है और शिकार करना भी होता है। ऐसा वाला करते, जैसे कि कभी जंगल सफारी देखा है? नहीं नहीं छोड़ो, आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये एग्जांपल ही बेकार हो जाएगा मेरा। शिकार करना, ठीक है। जब कभी किसी टीचर को ना घर पे, घर से कुछ कंफ्यूजन या दिमाग खराब या ऐसा कुछ होता है ना, तो वो क्या करता है, वो क्लास में आकर के ना अपना प्रे ढूंढता है, शिकार। ट्रांसलेशन किधर निकालने का? इस पे निकलने का, इसी पे निकालने। तो अभी क्या है, अगर तुम हो वो, तो अनफॉर्चुनेटली तुम बस प्रे कर सकते हो कि तुम प्रे ना हो, लेकिन अगर टीचर ने सर्च किया है निशाना तुम ही हो, वो शिकार पे निकल चुका है, दैट इज गोइंग टू बी, दैट मीन्स यू नीड टू प्रे दैट यू आर नॉट गोना बी द प्रे, बट योर टीचर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रेइंग ऑन यू, दैट इज द एंटायर थिंग दैट वी गो विद। सो प्रार्थना करना कि शिकार नहीं बनना, दैट इज प्रे एंड प्रे। कमिंग फॉर द नेक्स्ट वन, एंड ये सारे के सारे वो क्या, कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूं कि आपको लिंक आउट करके समझा सकूं, इसको यूज करो। इसको सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या यूज करने का? अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जब भी कुछ लिखते हो ना,
इनका इस्तेमाल करो, और दोनों का जो भी कंफ्यूजिंग है कुछ ऐसे लाइंस बनाओ, कुछ ऐसे कपलेट बनाओ, कपलेट मतलब दो दो लाइन का ऐसा कुछ बनाओ कि जिनमें दोनों चीजें आती हो। और यकीन मानो जब आप ये करते हो ना, तो आपका जो एक प्रो लेवल होता है ना, वो दिखाई देता है, डेफिनेटली दिखाई देता है। लोगों को समझ में आता है, ओ माय गॉश, नाउ आई एम टॉकिंग टू समवन हु इज रियली इलिट, लाइक यू नो, नॉट इनटू द काइंड ऑफ इल थॉट्स, द पर्सन इज एक्चुअली एजुकेटेड, पर्सन नोज हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो विद दिस वन। रूट, इट विल बी कॉल्ड एज राउट, रूट, रूट। अब ये रूट तो आपको पता ही है, जड़ें, जड़ों से जुड़ा हुआ है, हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही जमीनी आदमी है, या फिर जड़ें इसकी, दैट इज गोइंग टू बी रूट। ये रूट क्या होता है, जो यहां पे जाना है, दिस इज द रूट, सो दैट इज आर ओ यू टी ई, रूट। ये वाला रूट अगर मान लो जैसे मैंने ट्री का बताया, तो ये होने वाली है रूट, ठीक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वाला, वट इज गोइंग टू बी आर ओ यू टू। आप में से कितने लोग इस वर्ड को, मैं इस बुक को यहां से हटा दू, ओके, यस, लेट्स सी, ओला वाला बुक करते ही होंगे, तो उसमें आ जाता है, ये वर्ड आता है, नहीं आता तो फिर से देखो, बुक करो फिर देखो, और अगर नहीं बुक करना, नहीं जाना, पैसा नहीं डालना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन करके तो देख, उसमें लिख के आएगा। नेक्स्ट, तुम्हारी जड़ें। अब जड़ें पेड़ों की भी हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, कल्चर की भी होती है, संस्कृति की भी होती है, दैट इज रूट। अनदर वन इज आर ओ यू टी, इसका मतलब होता है व्हाट टू से, आसानी से हरा देना किसी को, बहुत आसानी से हरा देना किसी को, दैट इज कॉल्ड एज रूट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन जॉन सीना वर्सेस राजपाल यादव, या जॉन सीना वर्सेस Let it be any comedian, because heroes पे नहीं कह सकते, because उनके stuntmen होते हैं। तो अगर मैं ये कह रही हूँ, John Cena can easily rout anyone. John Cena can do that. Can you see me? He can do it. Easily हरा सकता है। या फिर जब आपके concepts, clear होते हैं किसी भी subject को लेके, तो आप बहुत ही like you can rout. Route any of the you know concepts, any of the questions which comes across you, आप उन्हें हरा सकते हैं। हराने का मतलब आप जीतेंगे, you are going to take the correct one. Root, root and root. Now the next one, censure and censor. Censor तो आपको पता ही है, censor board, जब हम कहते हैं भैया वो लिखा हुआ है A+, ए प्लस का मतलब ये नहीं कि उसको नंबर ज्यादा मिले हैं, ए प्लस का मतलब होता है अडल्ट। आजकल की मूवीज में तो वो क्लियर भी कर देते हैं कि भाई जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चे नहीं देख सकते, ये बच्चे देख ही नहीं सकते, वो वाला करके, यानी प्रतिबंध लगा देना, पाबंदियां लगा देना, दैट इज कॉल्ड एज, मैं लिख दू वरना मैं खुद ही भूल जाऊंगी इस वर्ड को, पाबंदी लगाना, दिस इज सेंसर। सेंश्योर का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, निंदा करना किसी की, निंदा करना। सी, टू बी अ नाइस पर्सन ना, यू शुड अवॉइड सेंश्योरिंग पीपल एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू सेंसर दिस योर, दिस एक्शन ऑफ योर्स, यू बिकम अ वेरी नाइस पर्सन, राइट? दैट मीन्स वन इज श्योर, पक्के तौर पे निंदा करने वाली बात तो वो हो गया, और दिस तो यू बेसिकली नो, इसको बहुत ज्यादा टैली करके आप नहीं समझ पाओगे, बट हाँ ऐसा समझो, सेंसर आपको पता है जो रोक लगा रहा है, तो जो उसका भाई है दूसरा, क्योंकि और तीसरा कोई नहीं, उसका दूसरा भाई है, वो इस बात की निंदा कर रहा है, वो ये निंदा कर रहा है, काहे पाबंदी लगा रहे हो, क्या जरूरत, क्या इंसान में जिंदगी जी नहीं सकता क्या, पाबंदियां काहे, सो ये हो जाता है सेंसर, और जब आप पाबंदियां लगा देते हैं तो वो हो जाता है सेंसर। ओके, नाउ वेव और वेव, ये तो सबको पसंद है, छूट मिलना, आई मीन हु डजंट लाइक इट, सो ये है छूट मिलना।
ये करेंसी वाइज भी हो सकता है और समय वाइज भी हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नकदी की छूट मिल गई, तो अगर आपको फीस वगैरह में मिली है तो कंसेशन बोलते हैं, ऐसे किसी चीज में मिली तो ऑफ बोलते हैं, भाई इतना परसेंट ऑफ चल रहा है, राइट। इसी में अगर कहते हैं कि भाई इतने से इतने तारीख में अगर आप खरीदते हैं तो इतने का आपको वेव मिल जाएगा, यानी अगर आपके पास इतने पॉइंट्स हैं, अगर आप यहाँ शॉपिंग करते हैं, अगर आप शॉपर्स स्टॉप पे शॉपिंग करते हैं या फिर आप लेवाइस में करते हैं, तो आपके आप अगर उसके मेंबर हैं तो आपके पॉइंट्स बनते रहते हैं, फिर उन पॉइंट्स में आपको वेव मिलता है, छूट से मिलता है। ये तो हो गया पैसों का। दूसरा एक छूट वो होती है जो समय की दी जाती है। आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने थ्री इडियट्स नहीं देखी हो। वेल इन दैट केस डियर, जिस समय जॉय अपना वो रेडी कर रहा होता है, व्हाट वाज दैट, वो जो क्या बोलते हैं, जो उड़ के जाते हैं ऐसे ऊपर करके, वो हेलीकॉप्टर जैसा, वो क्या होता है ना, ड्रोन, तो जो ड्रोन बना रहा होता है उसके लिए वायरस उसको टाइम नहीं देता, यानी नहीं मिलता उसको, छूट नहीं मिलती समय। तो छूट जो है वो नकदी में भी हो सकती है और समय की भी हो सकती है। ये वाली वेव तो हमको पता ही है, लहरें। लेकिन यहां तो लिखा है नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, तो एक तो लहर हो गई और दूसरी क्या होती है, देखिए नहीं डांस वगैरह उसमें वेव करते हैं, तो लहरें, लहर बनाना या लहराना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव, तो दिस इज गोइंग टू बी लहराना। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट वन, टो टो टिपटो। ये टो वो है जहां पे आपकी गाड़ी उठा ली जाती है, गलत जगह पार्क की हो, गलत जगह पार्क की हो, उठा ली जाएगी तुम्हारी गाड़ी, टो हो जाएगी। उस इंग्लिश, वो इंग्लिश वर्ड होता है टो। आपकी गाड़ी आपने वहां पार्क की तो आपकी गाड़ी टो हो गई। टी ओ ई का मतलब होता है जो एड़ी उठी आपकी, उसे कहते हैं ऐसे, ये टो, राइट। हील वाला जो होता है पोर्शन जो आगे का, दैट इज टो। स्टैंड ऑन योर टो तो मतलब ऐसे पंजों पर, नॉट एड़िया, पंजों पर, दैट इज कॉल्ड एज टो। और टिप टो का मतलब होता है पंजों पर भागना, पंजों पर भागना, ये हो गए आपके पंजे, पंजे मंजे का आए पंजे, और ये है पंजों पर भागना। यस, बुझे। तो गड़िया उठा ली गई, गलत जगह पार्क किए थे, तो अब पंजब खड़ा ढूंढिए कहाँ है गाड़ी, और जब आपको दिखाई दे जाए तो दौड़ जाइए उधर, जाइए आदमी दीजिए पैसा पकौड़ी कुछ और उठाइए अपनी गाड़ी वहां से। तो गाड़ी उठी, तुम भी हल्का से उठे, अब दौड़ो भागो पता करो गाड़ी, और जहां है उस आदमी का थोड़ा हथेली जेब थोड़ा गर्म करो, चीज मिल जाएगी ना। वैसे ये गलत है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे, मैंने बोला ना लिंक करना मेरी आदत है, तो उसी से याद होता है, मेरे को भी खुद याद होता था वैसे ही, तो मेरे को लगता है तुम लोग को भी वैसे समझ में आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइट। साइट, ये तो ये वाली साइट है, आंखें। एक तो मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है भाई साहब, नहीं यार इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छा बन गया इस बार बाय डिफॉल्ट। तो ये साइट ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये साइट क्या होता है, इंजीनियर साहब वाला साइट, यानी उसको स्थान में लिख दे रही हूं, क्योंकि अब मोस्टली सबसे पहले इसकी हमारी मुलाकात साइट से ना, जैसे मान लो मूवी में जब देखते थे हीरो साइट पे है, अगर वो इंजीनियर बना हुआ है तो वो साइट पे है, तो दैट एस आई टी ई इज गोइंग टू बी वो स्थान, दैट इज गोइंग टू बी द साइट। और उसके बाद जब आपको स्थान मिल गया तो आपको देखना पड़ेगा ना, अरे भैया पहले साइट हुआ, जगह हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको देखने की बात होती है, तो वहां पे स्पेलिंग होने लगती है एस आई टाइम, क्या हो रहा है, ओके ठीक है, अभी है हमारे पास थोड़ा बहुत, ओके तो वो हो गया साइट हो गया, यानी एस आई जी एच टी। पहले आपने जगह ढूंढी, फिर आपने उस जगह को देखा, अब देखने के बाद आप कुछ तो उसमें लिखेंगे, उसके बारे में उल्लेख करना। कई बार पता क्या होता है आपको, और क्लियर समझाने के लिए, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का दर्द समझ सकती हूँ, उसके चक्कर में मेरे को ना हिंदी के इतने बड़े बड़े वाले वर्ड्स रटने पड़ते हैं मेरे को, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं ये क्या है। ओके,
सो पहले हम जगह ढूंढते हैं, उस जगह को देखने जाते हैं, फिर उसके बारे में अपनी टिप्पणी लिख बताते नहीं, उल्लेख करके देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज साइट 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 क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। अब दोनों में आपको क्या याद रखना है, जो लिंक वर्ड हो सकता है वो ऐसा करते हैं, सिंगल एफ और एफ एफ डिफ्यूज कर देना कोई चीज। डिफ्यूज का मतलब क्या होगा, इन अंतर के तौर पे से मान लो। फ्यूज का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो फ्यूज हो गया मतलब खराब हो गया या अभी काम नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज इज एक्चुअली अ टेक्निकल वर्ड। दिमाग फ्यूज हो गया क्या, यानी काम करना समवर्ड कहीं ना कहीं बंद करने जैसा या थोड़ा सा रुकावट आने जैसा। दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज विथ सिंगल एफ। सिंगल एफ का मतलब एफ यू एस ई, फ्यूज होना। इसको ऐसे ही याद रखो, किसी चीज का फ्यूज होना मतलब काम का रुक जाना, अवरोध उत्पन्न होना। ऐसी जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड डिफ्यूज। लेकिन जब इसमें एफ एफ आने लगता है, यानी फ्यूज नहीं है, एफ एफ करके स्पेलिंग होने लगती है, तो उस जगह पे हमारे इसका मतलब होता है फैला देना। एक फ्यूज का मतलब किसी काम का नहीं रहा, तो अगर कोई चीज काम की नहीं रही तो कन्फाइंड हो गई ना। मान लो कोई चीज काम की नहीं है तो वो रुक गया ना, उसका ग्रोथ कहाँ होगा। लेकिन अगर आप उसमें एक एफ और जोड़ रहे हैं उसी स्पेलिंग में, तो इसका मतलब होता है अब इसको कन्फाइंड नहीं होना है, अब इस चीज को बढ़ते चले जाना है, इसे रोक नहीं सकते, इसे फैलाना पड़े। दैट इज डिफ्यूज विथ सिंगल एफ। फ्यूज दैट बेसिकली मीन्स कन्फाइंड और नॉट 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 गोइंग टू वर्क। विद एफ एफ दैट मीन्स इट कैन स्प्रेड आउट। सो दिस वॉज इट। ये कुछ ऐसे वाले थे जो मस्ट वाले में थे, मस्ट मतलब मस्ट वाले में। ऑल ऑफ यू, ये सारे के सारे 18, प्लीज इन्हें चेकआउट करो, इन्हें समझो, इन्हें जानने की कोशिश करो, इन्हें सेंटेंसेस में यूज करो। इनको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। कई और ऐसे वर्ड्स हैं जो पैर में आते हैं और इस तरीके से काम करते हैं, उनका लिस्ट मैंने आपको यहाँ नहीं दिया, क्योंकि कई तो हमें ऑलरेडी मालूम ही होते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो इसमें मैंने ना तो आपका टाइम वेस्ट किया ना ही मेरा। इनसे सबसे ज्यादा चीजें मैंने देखी हैं आते हुए बोल चाल में भी और आपके क्वेश्चन पेपर्स में। सो यू नीड टू गो अलर्ट ऑन दिस। और मेरा सेकेंड वीडियो एवरीवन, ये जितना इंपॉर्टेंट था, देखने में छोटा मगर काम करे, गंभीर वाली बात थी। सेकेंड वाला जो मेरी वीडियो आएगा, उसमें जब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी वो वर्ड्स जो आपकी जानकारी में होने जरूरी हैं, क्योंकि उसी से जुड़ा फिर हम शुरू कर देंगे हमारे टेंसेस। So please stay tuned, stay smiling, keep watching, keep focusing, keep following, keep subscribing, keep giving your comments to me. Roma Mam is waiting for all of you. Till then, ciao. Take care.